वेलकम बैक टू इलेक्ट्रोस्किल्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये सिग्नल्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन है, यानी हमारी जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है इसमें कितने किस्म के सिग्नल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इस वीडियो को जो है काफ़ी डेप्थ में बताऊंगा आप लोगों को, और काफ़ी ईजी वे में बताऊंगा, मतलब आप लोगों को इस वीडियो के बाद गारंटी रहे कि ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास डिजिटल इनपुट होता है, डिजिटल आउटपुट सिग्नल, एनालॉग इनपुट सिग्नल और एनालॉग आउटपुट सिग्नल, ये चार तरीके के ही हमारे पास सिग्नल्स पाए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाएं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पाया जाएगा आपके पास। इनपुट जो होता है हमारे पास, देखें ये जो ये जहाँ ये दो चीज़ें हैं, ये आपके पास इनपुट मैंने देखा है, ये डिजिटल इनपुट है, ये एनालॉग इनपुट है। देखिए इनपुट में क्या होता है, आपके पास ज़्यादातर सेंसर्स होते हैं। सेंसर्स क्या होते हैं, आपके पास पीएलसी में कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे एक पुश बटन भी लिया है किसी कमांड के लिए। अच्छा, ये इनपुट वाली साइड सेंसर की होती है और जो आउटपुट वाली साइड है ना, ये एक्चुएटर्स की होती है। देखें ये सेंसर्स हैं और ये एक्चुएटर्स है। सेंसर्स का काम क्या होता है, किसी चीज़ को सेंस करके एक सिग्नल जनरेट करना कि वो पीएलसी को जाए। मैं यहाँ कह रहा हूँ पीएलसी को सिग्नल जाए। एक्चुएटर का क्या काम होता है, ये पीएलसी से सिग्नल लेता है और ऑपरेट होता है। देखें वेल्व है ना, ये क्या होगा, ये पीएलसी से सिग्नल लेके ऑपरेट होगा। रिले पीएलसी से सिग्नल लेके ऑपरेट होगा। कंट्रोल वेल्व और आपका जो है ये ड्राइव जो है इसके कंट्रोल सिग्नल पे जो इनेबलर जो इनेबल जो करेगा वो क्या करेगा, पीएलसी का आउटपुट सिग्नल आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि किस तरीके से ये होगा, फीडबैक किस तरीके से आएगा इसमें, ठीक है। तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, यहाँ पर मैं अगली स्लाइड पर आपको लेकर जाता हूँ। और यहाँ पर देखिए ये डिजिटल इनपुट सिग्नल है। डिजिटल इनपुट क्या है, कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा यानी किसी चीज़ को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके फेस के आगे कोई भी चीज़ आएगी, ऑब्स्टेकल, ये उसको डिटेक्ट करेगा। इसी तरीके से एक पुश बटन है, ये आप क्या करेंगे, जब इसको प्रेस करेंगे तो सिग्नल जाएगा। देखिए एरो क्या बता रहा है, सिग्नल जा रहा है पीएलसी के डीआई कार्ड पे। डीआई कार्ड क्या होता है, पीएलसी का डिजिटल इनपुट कार्ड। ये लिमिट स्विच है, जब ये सेंसर 24 वोल्ट निकालेंगे तो ये क्या होगा, पीएलसी के डीआई कार्ड पे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, डिजिटल आउटपुट सिग्नल होता है। डिजिटल आउटपुट क्या होता है, ये पीएलसी निकालता है, ठीक है। ये पीएलसी निकाल कर आपका आपका जो है रिले को दे सकता है, एलईडी इंडिकेटर्स को दे सकता है, या फिर आपका जो है सोलेनॉइड वाल्व को दे सकता है। ये 24 वोल्ट भी निकाल सकता है और ये 220 वोल्ट एसी भी निकाल सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कार्ड और अपॉन द कनेक्टेड, आपके पास जो रिले है या फिर आपके पास वेल्व या फिर इंडिकेटर्स ही, तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ एनालॉग इनपुट। देखिए एनालॉग इनपुट क्या होता है, एनालॉग, अब चूंकि इनपुट है, इनपुट में मैंने आपको बताया सारे सेंसर्स मिलेंगे। इसमें क्या है, आपके पास कुछ 6 सेंसर आपने लगा दिया जो कि आपके पास रेडिएशन के थ्रू आपके किसी भी चीज़ की मूवमेंट को, उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, लेवल को कैलकुलेट करता है। इसी तरीके से आपके पास जो है यहाँ पे ट्रांसमीटर्स हैं जो आपको टेम्परेचर या प्रेशर का जो है की वैल्यू बताएंगे, एनालॉग सिग्नल जनरेट करेंगे। पोटेंशियोमीटर है या फिर आपके पास ये आरटीडीज भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या, ये एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, ये आपको रेंज बताता है। ये 0 या 100 या 0 या 24 नहीं बताता, ये एक आपके पास सेट ऑफ रेंज बताता है। सिर्फ ऑन ऑफ नहीं बताएगा, आपको एक रेंज भी प्रोवाइड करेगा कि क्या रेंज है। अब ये सिग्नल कहाँ जाएगा, क्योंकि इनपुट है तो ये पीएलसी के कार्ड में जाएगा, आएगा नहीं कार्ड में। जैसे हमने पीछे देखा था डिजिटल में क्या होता है, आउटपुट में क्या होता है, पीएलसी के कार्ड से वैल्यू निकलती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इनपुट में क्या होता है, इनपुट में सेंसर से वैल्यूज जाती हैं, ये मैं और आगे जाके आपको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा। इसी तरीके से आप यहाँ देख लें, एनालॉग आउटपुट की बात हो रही है। अब ये आउटपुट है, आउटपुट पीएलसी का कार्ड जनरेट करता है, तो ये क्या होगा, 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 mA का सिग्नल होगा। ये कंट्रोल वेल्व या फिर वीएफडी में जाएगा और आपके इस चीज़ को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे सर्वो वेल्व है और यहाँ पे आपकी सर्वो ड्राइव भी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और इन डिटेल बताता हूँ। देखिए होता क्या है हमारे पास, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है मैंने 24 वोल्ट क्या हुआ, यहाँ से निकल कर मेरे पास इस कार्ड में आया। कैसे आएगा, मैंने इस सेंसर को जो है इसके आगे किसी भी टारगेट को या किसी भी चीज़ को सेंस कराया, तो क्या होगा, ये 24 वोल्ट निकालेगा और ये 24 वोल्ट घूमकर कहाँ जाएंगे, मेरे पास पीएलसी के डीआई कार्ड में। इसी तरीके से जब लिमिट स्विच, जब एनो कॉन्टैक्ट इसका एनसी बनेगा, तो यहाँ से 24 वोल्ट निकलकर सीधा मेरे पास डीआई कार्ड में जाएंगे। ये डिजिटल इनपुट है, बात समझने की कोशिश करें। सेंसर वोल्टेज निकाल रहा है, सिग्नल निकाल रहा है। इसी तरीके से मैंने पुश बटन के 13-14 एनो पॉइंट को यूज़ किया, और व्हेन आई पुश द पुश बटन क्या होगा, यहाँ से सिग्नल निकलेगा और सीधा जाएगा पीएलसी के डीआई कार्ड के टर्मिनल में। तो पीएलसी क्या करेगी, इस डीआई कार्ड के थ्रू उस सिग्नल को सेंस करेगी। लेकिन हमारे पास आउटपुट पे क्या होता है, जब वो सिग्नल सेंस करेगा डीआई कार्ड, तो वो एक आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है।
अब ये डिपेंड करता है कि मेरा कार्ड 24 वोल्ट का है या फिर 220 वोल्ट एसी का है। अगर तो 24 वोल्ट एसी का है तो क्या करेगा, 24 वोल्ट एसी निकालेगा, मैं इसके कॉमन पे 24 वोल्ट दूंगा। अगर ये 220 वोल्ट का है तो मैं इसके कॉमन पे 220 वोल्ट दूंगा, और अकॉर्डिंगली 220 वोल्ट के अकॉर्डिंगली ही मुझे इन सब का चुनाव करना है कि मुझे यहाँ पे 220 वोल्ट वाला लगाना है वेल्व या फिर 24 वोल्ट वाला लगाना है। इसी तरीके से रिलेज या फिर आपके यहाँ पे और भी चीज़ कॉन्टैक्टर्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डिजिटल आउटपुट, ये एक्चुएटर्स हैं। तो एक्चुएटर में हमेशा पीएलसी से सिग्नल जाएगा और सेंसर में हमेशा पीएलसी की तरफ सिग्नल आएगा, क्योंकि सेंसर सेंस करके बता रहा है और एक्चुएटर कमांड चाहिए उसको पीएलसी से, ठीक है। इसी तरीके से एनालॉग इनपुट की बात हो गई। अब देखिए एनालॉग इनपुट में क्या होगा, एनालॉग इनपुट में हमारे पास जो है ना 0 to 10 वोल्ट या फिर 4 to 20 mA का सिग्नल होता है। तो जब इनपुट की बारी आएगी तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, या तो 0 to 10 वोल्ट या तो 4 to 20 mA का सिग्नल जनरेट करेंगी और एनालॉग इनपुट के कार्ड को प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। ये रीड करेगा, ठीक है, ये रीड कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। लेकिन एनालॉग आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट का कार्ड राइट करेगा, इनको बताएगा ये 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 mA का सिग्नल जो है जनरेट करेगा, एंड दिस सिग्नल विल बी रीड बाय दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये आपके पास कंट्रोल वेल्व है, ये ड्राइव है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ड्राइव के आगे मेरे पास एक मोटर लगी है और उस मोटर के जो है मैं मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड को कंट्रोल कर रहा हूँ किससे, इस कार्ड के थ्रू। अगर 0 वोल्ट जाएगा तो ये मिनिमम स्पीड पे चलाएगा मेरी मोटर को, अगर 10 वोल्ट जाएगा तो मैक्सिमम स्पीड, जो रेफरेंस स्पीड होगी मैक्सिमम, ये ड्राइव उसको चलाएगा। तो ये 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल मैं अपने ड्राइव के ABI पे भी दे सकता हूँ, यानी एनालॉग वोल्टेज इनपुट पे भी, यानी कि ये आउटपुट निकालेगा और ये बनेगा इन इंस्ट्रूमेंट्स का इनपुट और अकॉर्डिंगली ये चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो है एनालॉग आउटपुट का कार्ड है, मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बता दूँ, यहाँ पे वो निकाल रहा है 0 to 10 वोल्ट। तो ये 0 to 10 वोल्ट मैंने कहा दिया सर्वो वेल्व में। अब सर्वो वेल्व क्या होगा, वो 0 और 10 वोल्ट के बीच कोई भी सिग्नल आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये ऑन जो है ओपन होगा, ओपन और क्लोज होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको आइडिया सर्वो वेल्व क्या होता है, किसी फ्लो को कंट्रोल करता है, और फ्लो कंट्रोल कैसे होगा, जब वो वेल्व आपका ओपन होगा या वेल्व आपका क्लोज होगा, तो अकॉर्डिंगली इसी तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल वेल्व का भी है ये, ठीक है। इसके बाद क्या, ये तो एनालॉग आउटपुट हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूँ। देखिए रिकैप में क्या हमने देखा कि 4 तरीके के सिग्नल होते हैं। अब इनको अगर मैं थोड़ा सा आपको स्मार्टली वे में बताऊँ तो क्या होगा, डिजिटल इनपुट क्या करता है, आपके पास सिग्नल पीएलसी को देता है, इसी तरीके से एनालॉग इनपुट भी आपका पीएलसी को सिग्नल देता है। आउटपुट सिग्नल क्या होता है, पीएलसी जनरेट कराता है। अब अगर डिजिटल आउटपुट है तो पीएलसी आपको देगा या तो 0 या फिर 24 वोल्ट देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास एनालॉग आउटपुट है तो पीएलसी आपको 0, यहाँ पे रेंज देगा 0 to 10 वोल्ट डीसी देगा या 4 to 20 mA का सिग्नल यहाँ से जनरेट कराएगा, ठीक है। अच्छा डिटेल इनपुट में क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास, अगर आपने पुश बटन प्रेस किया है तो 24 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, पुश बटन प्रेस नहीं किया तो 24 वोल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। येस और नो की बात होगी। इसी तरीके से प्रॉक्सिमिटी सेंसर अगर सेंस होगा तो 24 वोल्ट आएंगे, नहीं होगा तो 0 वोल्ट आएंगे। इसी तरीके से क्या है, डिजिटल आउटपुट पे क्या होगा, या तो ये 0 वोल्ट निकालेगा तो ये ऑपरेट नहीं होंगे, या अगर 24 वोल्ट निकालेगा तो ये ऑपरेट होंगे, ठीक है। इसी तरीके से एनालॉग इनपुट है। अब ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास प्रेशर ट्रांसमीटर है और ये किसी टैंक में लगा, उसका प्रेशर बता रहा है, तो अब क्या होगा, ये वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल देगा पीएलसी के एनालॉग इनपुट चैनल में। तो क्या होगा, 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल जनरेट करेगा या 4 to 20 mA का सिग्नल जनरेट करेगा, और इसी के अकॉर्डिंगली पीएलसी क्या करेगा, अपनी स्केलिंग करेगा। अब मुझे क्या करना है, पीएलसी के एनालॉग आउटपुट से जो सिग्नल निकल रहा है वो किस टाइप का सिग्नल होगा, वो भी 0 to 10 वोल्ट और 4 to 20 mA का ही सिग्नल होगा, बट इनपुट में पीएलसी रीड करेगा सेंसर से, एनालॉग सेंसर से, और आउटपुट में, एनालॉग आउटपुट में पीएलसी वही 0 to 10 वोल्ट या फिर 4 to 20 mA का सिग्नल जो है जनरेट करके इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा। इट कुड बी कंट्रोल वेल्व, इट कुड बी योर सर्वो ड्राइव, इट कुड बी योर VFD और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे किस किस्म के जो है वोल्टेज में और मिली एम्स में 4 to 20 mA और 0 to 20 mA में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरीके से सिग्नल्स काम करते हैं, इसकी वायरिंग कैसे होती है, इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो आप मुझे व्हाट्सएप या फिर जीमेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।